हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ये आप मेरा पौधा देख रहे हैं, ये ऑरेंज का पौधा मैं लेकर आई हूँ। आज मैं इसको गमले में ट्रांसफ़र करूँगी, तो मैंने सोचा चलिए आपके साथ भी शेयर कर लूँ। तो मैंने उसके लिए अपनी मिट्टी तैयार कर ली है। देखिए, जिस प्रोसेस को मैंने बताया था, सेम उसी प्रोसेस से मैंने सारा इसमें मिट्टी, वर्मी कंपोस्ट, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, फंगीसाइड सब मैंने मिक्स करके, ये देखिए इतनी अच्छी भुरभुरी मिट्टी मैंने तैयार करी। सैंड और गमले में भी मैंने देखी ये सारी तैयारी की। ये किचन वेस्ट डाला है, पहले देखिए सूखी पत्तियाँ डाली हैं, उसके बाद मैंने थोड़ा सा ये कूट डाल दिया। अब इसमें मिट्टी भर के, शाम का टाइम है, शाम को ये ट्रांसप्लांट करना चाहिए, तो मैं इसको ट्रांसप्लांट करती हूँ। ये देखिए मैंने इसको प्लास्टिक से निकाल दिया है। मैं गमले में मिट्टी डाल के फिर आपसे मिलती हूँ। देखिए मैंने डाल दी है मिट्टी गमले में, और पहले मैं इसमें गमले को थोड़ी मिट्टी गीली कर दूँगी हल्की से, कि मिट्टी बहुत ड्राई है, सूखने के लिए रखी थी। ड्राई मिट्टी में हम डालेंगे अपने पौधे को तो सारी इसकी जड़ें को पानी वो मिट्टी सोख लेती है, तो थोड़ा सा मैं इसको वेट कर दिया है। ये देखिए अब मैं इसमें अपने पौधे को डालूँगी। बहुत आराम से हम लोग इसको उठाएंगे, एक हाथ से करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन कोई बात नहीं। ये देखिए थोड़ा सा मैं इसकी जड़ों को साइड साइड से मिट्टी को यहाँ से निकाल दूँगी। सवेरे पानी डाला था, इतनी गर्मी है, फिर ड्राई हो गया है, थोड़ा सा इसमें मैं पानी डाल के फिर, ये देखिए थोड़ी थोड़ी मैं जड़ें निकाल दे रही हूँ। ताकि थोड़ा आराम से इसकी जड़ें पानी मिट्टी में बैठ सकें। हल्के हल्के मैंने निकाल दी है। अब मैं इसको सिर से बैठा दूंगी। साइड में मैं पूरी मिट्टी से इसको कवर कर, अभी और मिट्टी डालनी है, मैं डाल देती हूँ। से हम लोग सेट कर देंगे। चलिए एक बार मैं सेट करके फिर आपसे मिलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको लगा दिया है। साथ ही साथ मैं एक और अपडेट देती हूँ। देखिए मेरे ऊपर टेरिस में दो और आए हैं गेस्ट। ये है गेंदे का एक और, ये मैंने कल लगा दिया था, और ये इस पौधे को और ये ऑरेंज के पौधे को ये मैं आज शिफ्ट कर रही हूँ। आज तारीख है 18 अगस्त। तो सबसे पहले हम लोग को ये इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पहले तो हम लोग पौधे को शाम को लगाएं, और लगाने के बाद इनमें हम लोग को पूरा फुल पानी देना है। इसमें भी मैं पानी दे देती हूँ, क्योंकि इसको भी मैंने अभी जस्ट लगाया है। देखिए पूरा, और एक बार इतना देना है कि पानी जो है इसमें नीचे से ड्रेन आउट करें। थोड़ा सा डाल के मैंने 2 मिनट छोड़ दिए हैं, फिर दोबारा से इसमें मैं पानी थोड़ा सा और डाल रही हूँ, क्योंकि पूरी मिट्टी नीचे तक गीली नहीं हुई है, तो हमको पूरी मिट्टी भी नीचे तक गीली करनी है पहली बार। फिर बाद में हम लोग अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी, मिट्टी सूख जाए तब डालेंगे। और इस तरह से मैंने अपने पौधे को लगा दिया है, और देखते हैं उसका फिर क्या रिज़ल्ट निकलता है। ये देखिए आज मेरे अपने गार्डन में ये 3 पौधे नए शामिल हुए हैं, तो सोचा मैंने आपके साथ शेयर कर लूं। और
जो मैंने कल देखिए शिफ्ट किया था, इसमें कितनी अच्छी ग्रीनरी आ गई है, लग रहा है जैसे अभी और इसमें जान आ गई है। वैसे ही इसमें एक दो दिन में ये भी ठीक हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी के अपडेट मैं जैसे इसकी ग्रोथ होगी उसके साथ आपके साथ शेयर करूँगी। आपको वीडियो मेरा कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। थैंक यू, बाय बाय।